रविवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत ने 28 ओवर में ही शानदार जीत हासिल कर ली। भारतीय टीम का यह 1000वां वनडे मैच ऐतिहासिक साबित हुआ, जिसके एक नहीं कई मायने हैं। अब भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने 1000 ओडीआई का आंकड़ा सबसे पहले पूरा किया हो। इसी के साथ अब जानिए इस मैच के अन्य मायने, जिसके कारण इसे ऐतिहासिक बताया गया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली का प्रदर्शन वेस्टइंडीज के साथ मुकाबले में कुछ खास नहीं रहा। उनका बल्ला मैदान में जम नहीं पाया और वो सिर्फ 8 रन बनाकर ही आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली ने अपने 5000 रन पूरे कर लिए हैं। इतिहास में विराट कोहली इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतने कम समय में अपने खाते में 5000 रन पूरे किए। इन दिनों टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथ है। भारत के दमदार बल्लेबाज ने रविवार को 60 रन की पारी खेली और सचिन तेंदुलकर के रन स्कोर को भी पीछे छोड़ दिया। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने 1573 रन बनाए थे, लेकिन उस मैच के बाद रोहित शर्मा ने एक टीम के खिलाफ 1583 रन अपने खाते में लिए। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 12 अर्धशतक लगाए हैं। इंडियन टीम के स्पिनर युजवेंद्र ने वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों पर अपनी गेंदबाजी का कहर ढाया। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के 4 विकेट चटकाए और अपने वनडे फॉर्मेट में 100 विकेट का आंकड़ा पूरा कर लिया। जानकारी के लिए बता दें कि इस गेंदबाज ने सिर्फ 60 मैच में यह रिकॉर्ड बनाया है। अब भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की 1000 ओडीआई खेलने वाली सबसे पहली टीम बन चुकी है। 1974 से शुरू हुए पहले ओडीआई से साल 2022 तक के 1000वें मैच तक भारत ने 519 मैचों में जीत हासिल की। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्त एवं रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें और डेली के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें द वोकल न्यूज़ हिंदी के साथ।